जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। जब तू 8वीं में था तो एनुअल डे पे नाटक में तुझे कौन सा रोल मिला था? कौन सा रोल मिला था? पापा का। और वो नाटक तू बीच में छोड़ के घर आ गया था, क्यों? क्योंकि बोल! क्योंकि एलकेजी के बच्चे को मेरे गोद में बिठा दिया था और मैं थक गया था। तू आधे घंटे नाटक में बाप का रोल नहीं कर सका, और जिस आदमी ने आधी जिंदगी बाप बन के निकाल दी, आज तू उस पे उंगली उठा रहा है। मेरे बापूजी के आगे आज तक आवाज तो दूर, आंख उठा के नहीं देखा मैंने। बापूजी का फोन आज भी आता है तो मैं खड़े होके सुनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बाप क्या होता है। और आज तू मुझे बता रहा है कि ये घर मेरा नहीं है। हमने कभी बाप की दौलत नहीं चाही, हमारे लिए तो बाप का साया ही बहुत था। बच्चे को पढ़ने के लिए, उसे डिसिप्लिन करने के लिए कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। बाप के साइकिल की घंटी घर के बाहर से सुनाई देती थी तो हम पढ़ने बैठ जाते थे, क्योंकि हम जानते थे कि एक घर को माँ के प्यार के अलावा उसके बाप का पसीना भी चलाता है। हम उस पसीने की कद्र करना जानते थे, क्योंकि हम जानते थे कि एक घर को घर बनाने में एक बाप हर रोज कितना टूटता है। और आज मेरी औलाद मुझसे कह रही है कि यह घर मेरा नहीं है। समर, यू शुड बी अशेम्ड। काव्या, आज कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और कोई नहीं, तुम भी नहीं। मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि मैं उसके घर के मामले में इंटरफेयर कर रहा हूं, कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को उसके घर में लेके आया है। एक बार इससे बोल दे कि ये घर मेरा नहीं है। बोल बोल। भोलेनाथ जानता है कि मेरे में हजार कमियां होंगी, पर मैंने अपने मां बाप को कभी भी भगवान से कम नहीं समझा। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ कहने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, पर आज मैं बोलूंगा। ये तेरा घर, देख तेरे इस घर को, देख। ये 40x60 फीट के प्लॉट पे बना डबल स्टोरी का घर, एक स्टोरी ये, दूसरी स्टोरी वो, और तीसरी स्टोरी मैं, वनराज शाह, इस घर के घर बनने की स्टोरी। बापूजी ने अपने खून पसीने की कमाई से यह जमीन खरीदी थी और उस पे वन रूम किचन सेट बनाया था। उस वन रूम किचन सेट से लेकर 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 गार्डन और बाहर खड़ी हुई लग्जरी कार तक की स्टोरी वनराज का।
एक गरीब घर के बेटे का बचपन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। होश संभालते ही उसे पैसे की वैल्यू समझा दी जाती है। होश संभालते ही वो पैसा कमाना शुरू कर देता है। मैंने भी किया था। 14 साल की उम्र में ट्यूशन पढ़ा के मैंने पैसे कमाने शुरू किए थे, जिस उम्र में तुमको अपने जूते का फीता बांधना नहीं आता था। उस उम्र में मैं पैसे कमा के अपनी मां के हाथ में रखने लगा था। तेरा ये लूजर बाप, जिसे जवाब देते तेरी जबान नहीं थकती है, वो किसी भी दिन सुबह 4 बजे के बाद सोया नहीं। सुबह उठा, पढ़ाई की, फिर ट्यूशन पढ़ाया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो पार्ट टाइम जॉब किए, नौकरी की, बसों के पैसे बचाने के लिए पैदल चला, 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा कॉलेज खत्म किया, पैसे कमाए, पैसे जोड़े, एक एक ईंट करके ये घर बनाया। जब मेरी शर्ट का कॉलर फटता था ना, तो मेरी बाह से पलट के लगा देती थी, कहती थी कि मैंने तेरा कॉलर पलटा है, तू हमारी किस्मत पलटेगा। और मैंने अपनी मां की बात सच की। मेरे बापूजी का सपना था घर बनाने का, मैंने उनका वो सपना पूरा किया। मुझे गर्व है कि मैंने अपने पिता का घर बनाने का सपना पूरा किया। इस घर में उनकी मेहनत के साथ मेरा पसीना भी शामिल है। अनुपमा, तुम ही समझाओ ना अपने लड़के को, तुम तो सब जानती हो, समझाओ। तुम दोनों भाई नाराज रहते थे ना कि तुम्हारे पास एक ही कमरा है, छोटा सा, तुम लोग शेयर नहीं कर सकते। हम 4 लोगों का परिवार एक कमरे में रहता था, बाप, बापूजी, मैं और डॉली। जमीन पे गद्दा बिछा के सोते थे हम लोग। एक कुर्सी थी हमारे पास। जब हमारे यहां मेहमान आते थे तो बापूजी खड़े हो जाते थे, कहते थे कि आप लोग बैठिए, मैं बैठ बैठ के थक गया। दुख पिता का मौन रहता। मां की आंखों से बहता। वहां से लेकर यहां तक का सफर बहुत मुश्किल था। एक मिडिल क्लास बाप को उसकी जिम्मेदारियां थकने नहीं देती। मेरे पास भी थकने का ऑप्शन नहीं था। पहले एक बेटे की जिम्मेदारी निभाई, फिर भाई की, फिर पति की, और फिर बाप की। मैं कोई एहसान नहीं गिना रहा। दुनिया में एक बाप ही ऐसा इंसान है जिसका कोई भी काम एहसान नहीं होता, सिर्फ फर्ज होता है। और यह सिर्फ मेरी नहीं, हर मिडिल क्लास बाप की कहानी है। सुबह घर से निकल जाना, देर रात घर को लौटना, अपने घर के सारे फंक्शंस मिस करना, सारी खुशियां मिस करना, बच्चों को सिर्फ तस्वीरों में बड़े होते देखना, ये सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है बाप को, और वो देता है। मां की कुर्बानियों की सब बात करते हैं, लेकिन बाप की कोई बात नहीं करता। मां के पांव के नीचे स्वर्ग होता है, लेकिन बाप के पांव के नीचे तपती जमीन होती है, जिस पे उसे चलते जाना है, चलते जाना है हमेशा। इस घर के बाहर लगी नेम प्लेट, जिसे गुस्से में निकाल के फेंक दिया गया था, वो बाप बापूजी ने खुद लगाई थी, खुद। याद है बा, मैंने आपसे कहा था कि ये घर आप दोनों का है, यहां पे आपका नाम होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप दोनों ने वही नेम प्लेट लगाई। मैंने आपसे कहा था कि 250 रुपए खर्च क्यों करने, मैं अपने हाथ से लिख के लगा देता हूं। तो बापूजी ने कहा मेरे बेटे का नाम है, शान से रखा था, शान से लिखा जाएगा। मैं बेटी का बाप बाद में बना, लेकिन बेटी का बाप होने का फर्ज
बहुत पहले से निभा रहा हूं। डॉली, इन्हें बता दे कि तेरे बड़े भाई ने तेरे लिए क्या क्या किया है। एहसान में और फर्ज में फर्क होता है। एहसान गिनाए जाते, फर्ज कभी गिनाया नहीं जाता, लेकिन आज इनको गिना दे। इन्हें बता दे कि तेरा बड़ा भाई लूजर नहीं है, क्योंकि ये सब तेरे बड़े भाई को लूजर समझ रहे हैं। मैंने अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाया, उसकी हर जिद हर शौक पूरा किया। पिक्चर जाने देखना हो तो भाई, कॉलेज की ट्रिप पे जाना हो तो भाई, सूट खरीदना हो तो भाई, नई स्कूटी लेनी हो तो भाई, वो भाई जो 40 रुपए बचाने के लिए मीलों तक पैदल चलता था, 40 रुपए, ताकि उसकी बहन का कोई शौक अधूरा ना रह जाए, वो 40 रुपए जो आज की डेट में तू टिप में दे देता है। उस 40 रुपए को बचाने के लिए तुम्हारा बाप हर मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, मीलों तक सड़कों पे पैदल चला करता था। डॉली को अपनी शादी में लहंगा चाहिए था, उसने लहंगा मांगा तो बापूजी ने कहा कि बा का पुराना लहंगा ले ले। डॉली मान भी गई थी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे, इसलिए मैंने अपने बाइक की एक ईएमआई ना भर के इसके लिए लहंगा लिया था। भाई होने की जिम्मेदारी भाई का फर्ज पूरा करके होती थी। आज की तरह नहीं, हैशटैग कूलेस्ट ब्रदर इन टाउन लिख के फोटो लगा देते हैं। एक बार मेरी बहन पे किसी ने ताना कसा था, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने उसे कब इतना मारा था कि वो सड़क पे बेहोश होके गिर गया था। उसके घर वाले मेरे घर पे लड़ने आए थे, बापूजी ने कहा था कि माफी मांग, और मैंने कहा था नहीं, अगर इसने फिर से उसके ऊपर ताना कसा तो मैं फिर मारूंगा। उस दिन से लेकर आज तक मैं इस घर के और दुनिया के बीच में दीवार बन के खड़ा हूं, और दीवार की कीमत तब समझ में आती है जब दीवार गिर जाती है, उसके पहले नहीं। पर राजपाल, यही सच है बा, दुनिया में हर चीज की ईएमआई होती है, लेकिन सिर्फ बाप का ही प्यार ऐसा कर्ज है जिसकी कोई किस्त नहीं देनी पड़ती, इसीलिए उसकी कद्र नहीं होती। मैंने बापूजी की कद्र की, लेकिन मेरे बच्चों ने, मैंने सिर्फ एक गलती की है, शादीशुदा होते हुए भी मैंने किसी और से प्यार किया, लेकिन क्या मेरी एक गलती की वजह से मेरी जिंदगी की हर अच्छाई खत्म हो गई? गलती एक पति ने की, लेकिन सजा एक बेटे को मिल रही, सम्मान एक बाप का छिन रहा है। दुनिया में जिसकी औलाद नहीं होती है वो सिर्फ उम्र से बूढ़ा होता है, लेकिन जिसकी औलाद होती है वो फिक्र से बूढ़ा होता है। मैंने भी दिन रात अपने घर की, अपने बच्चों की फिक्र की है, एक दिन यह सुनने के लिए कि यह घर मेरा नहीं है, आई एम एन आउटसाइडर इन माई ओन होम। मेरे बच्चे मुझे लूजर समझते हैं अनुपमा, इन्हें बता दो कि मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूं। एक बात तो सब जानते हैं कि मैं अच्छा पति नहीं था, मैंने तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं की, लेकिन आज मैं सबके सामने ये कहता हूं कि इस घर को तुमने संभाला, तुमने चलाया, मुझ पर, मेरे बाप बापूजी पर, मेरे बहन जीजा पर, मेरे बच्चों पर तुम्हारा कर्ज है, लेकिन अगर तुमने इतना कुछ किया है तो मैंने भी कुछ तो किया होगा ना। इतने सारे लोग, इतनी जरूरतें अपने आप तो नहीं पूरी होती ना।
उन जरूरतों को बाप पूरा करता है। बाप वो सेंटा क्लॉज है जो साल में एक बार तोहफा लेके नहीं आता। छोटी सी जिंदगी के छोटे छोटे तोहफे रोज लेकर आता है। आटा, दाल, जूते, मोजे, दवाइयां, पिचकारी, फूल, बिंदी, खिलौने, सब कुछ। सब जानते हैं कि मां घर में चूल्हा जला के रोटी बनाती है, लेकिन उस चूल्हे को जला के रखने के लिए बाप क्या क्या करता है ये कोई नहीं जानता। ये लूजर बाप किसी को नहीं दिखाई देता। आज जब मैं खुद को देखता हूं तो ये लगता है कि बस सब कुछ सीख लिया, एक रोना ही नहीं सीखा मैंने। अगर सीखा होता तो आज काम आता। मां तो अपना दुख आंसू में बहा देती है, लेकिन पिता तो वो भी नहीं कर सकता। पिता तो रो ही नहीं सकता। शायद वही आंसू गुस्सा बन के निकलता है। आपके बेटे ने आपको बहुत दुख दिया बापूजी, लेकिन आपसे कभी बदतमीजी नहीं की। मुझे तो यह सुख भी नहीं मिला, मेरे बेटों ने मुझे दुख भी दिया, अपमान भी किया। अपनी मां को तू भगवान मानता है, मुझे कम से कम इंसान तो समझ लेता। एक बार आंखें खोल के देख लेता कि तेरा बाप लूजर नहीं है। इस घर में हर सवाल मेरे और काव्या के रिश्ते की वजह से खड़ा होता है। हर बात मेरे और काव्या के रिश्ते पे खत्म होती है। जो कुछ भी मेरे और काव्या के बीच में हुआ वो घर की और सोसाइटी की नजर में ठीक नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि हमने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। इट जस्ट हैपेंड। मैं कोई हर औरत के पीछे भागने वाला कैरेक्टरलेस इंसान नहीं हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ दो गलतियां की, एक काव्या से प्यार और दूसरा उस प्यार को छुपाया। मुझे तभी अनुपमा को बता देना चाहिए था, बिकॉज शी डिजर्व द ट्रूथ। अब जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं कि जो गलती मैंने की उसकी सजा और उसकी नफरत की कोई टाइम लिमिट है या नहीं है, या फिर उस गलती की सजा सारी उम्र झेलनी पड़ेगी। और अगर सारी उम्र की बात है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन एक बात के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि इस घर में जब भी मेरे बारे में बात हो तो सिर्फ मेरी गलतियां याद आए। इस घर के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वो किसी को याद ना आए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।